हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज इस वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है, मैंने एक ऐसा ही छोटा सा गेम डेवलप किया है। उस एप्लीकेशन का EXE डेवलप करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक इंस्टॉलर बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग उस अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें दूसरे अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे दूसरे जो फ्रेंड्स होंगे वो उस फाइल को इंस्टॉल कर सकें और इंस्टॉल होने के बाद हम उसको यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक आइकन भी बन जाएगा, डेस्कटॉप आइकन, और फिर उसकी हेल्प से हम लोग अपना एप्लीकेशन ओपन कर पाएंगे। इसका मतलब हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपने एक प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को, जो एक स्विंग का प्रोग्राम है, उसको सिंपली विंडोज़ इंस्टॉलर बनाना है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक यहाँ पे गेम बनाया है, स्नैक लेडर गेम, और मैं इस गेम को रन करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या बनाया और फिर हम इसको इंस्टॉलर, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ लॉजिक्स मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे रोल डाइस का एक बटन है, हम इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। और एक बार यहाँ पे ये जो गेम है वो दो प्लेयर के बीच में होगा। यहाँ पे जो एक्टिव प्लेयर होगा उस प्लेयर का नाम दिखाता रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे अभी अभिषेक का चांस है, अभिषेक राइस डोल कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो अब क्या होगा, अभिषेक का चांस में जब उसने राइस मतलब रोल डाइस किया तो दो नंबर जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो रेड था वो दो है, तो दो यहाँ पे देखिए बढ़ गया। उसके बाद अब ये संगम चांस है, दैट मीन्स अब जब संगम डाइस को रोल करेगा तो यहाँ पे संगम का जनरेटेड नंबर आएगा। और जैसे आप इसने क्लिक किया तो ध्यान से देखिए तीन आया, दैट मीन्स 1 2 3, और देखिए ये सीढ़ी पे चढ़ गया, मतलब यहाँ पे। उसके बाद फिर इसी तरह ये दोनों प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, गेम को खेल सकते हैं, अपना अपना गेम खेल सकते हैं, और फिर जो भी जीतेगा यहाँ पे वहाँ पे हम मैसेज दिखा देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं देख रहे हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को, क्योंकि अभी ये जो फाइल है वो सिंपल जावा फाइल है, यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 2 3 4 जावा फाइल है और एक मेन क्लास है, ये मेरी मेन क्लास है। हम यहाँ से प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम का इंस्टॉलर डेवलप कर पाएँ। जैसे आप लोग क्या करते हो, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हो, सेटअप जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसको फिर इंस्टॉल कर लेते हो, वैसे ही कुछ हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली ऑसम वीडियोज़। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एटलीस्ट डेली एक वीडियो तो अपलोड करते ही करते हैं। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग बनाते हैं अपने जावा एप्लीकेशन का EXE। तो मुझे यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें तो अपना प्रोग्राम बना लेना है, अपना प्रोग्राम बना के इसको यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना है एक बार कि चल रहा है प्रोग्राम कि नहीं चल रहा है। हमारा यहाँ पे प्रोग्राम देखिए चल रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग दो सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है देखिए लॉन्च 4J फॉर विंडोज़, यहाँ पे देखिए गूगल पे टाइप करेगा लॉन्च 4J फॉर विंडोज़, और यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करेगा launch4j.sourceforj.net। आप देख सकते हैं ये वाली इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाइएगा और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इधर देखिए लेफ्ट साइड में एक डाउनलोड की बटन दिखेगी, इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे वर्जन होंगे, आप लिनक्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, बट मुझे विंडोज़ चाहिए तो मैं ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लूँगा, और आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने क्या किया है, इसको पहले से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर आप इसको लॉन्च, अगर इसको आप देखना चाहोगे तो क्या करोगे, इसको जब ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये एक सॉफ्टवेयर दिखेगा, अभी हम इसका यूज़ करेंगे। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो देखिए यहाँ पे ओपन है आइनो सेटअप, तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आइनो सेटअप डाउनलोड फॉर विंडोज़, डाउनलोड आइनो सेटअप, और जो पहली वेबसाइट आप ओपन करोगे वो इन्हीं की वेबसाइट ओपन होगी, आइनो सेटअप की वेबसाइट। तो इसको भी आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड्स का, वहाँ पे जाओगे डाउनलोड करने, या देखिए सिंपली यहाँ पे आपको अगर इधर देखिए डाउनलोड्स पे क्लिक नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑलरेडी ओपन है, और अगर आपकी ये वेबसाइट ओपन हुई
तो आप क्या करेंगे, इस डाउनलोड्स आइनो सेटअप पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे सेटअप क्लिक करोगे डाउनलोड, ये यही वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अगर आपको ये वाली वेबसाइट ओपन होगी सबसे पहला पेज फ्रंट पेज, तो आप डाउनलोड आइनो सेटअप पे क्लिक करके इस वाले पेज पे चले जाएगा। बट अगर आप गूगल से डायरेक्ट इसी पेज पे आते हो तब तो अच्छी बात है, नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए रैंडम साइट का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक कर जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसको इंस्टॉल कर लोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आइनो सेटअप कंपाइलर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, अभी देखते हैं कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंटरनेट से एक अपने सेटअप का आइकन डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा फ्लैट आइकन्स, और फ्लैट आइकन्स वाली वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ से एक बढ़िया सा अपने गेम के लिए आइकन डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्नैक, और फिर यहाँ से लेटर सपोज हम इस आइकन को यूज़ करना चाहते हैं तो ये इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और अपना साइज सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं 64 चूज़ करूँगा और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो आइकन है वो डाउनलोड हो गया। बट जो हम आइकन लगाएंगे, देखिए डाउनलोड हो गया, तो जो हम आइकन लगाएंगे वो .png नहीं लगाएंगे, हमें आइको चाहिए, .iko फाइल चाहिए। तो हम गूगल पे चलेंगे यहाँ पे और आप सर्च करिए png2iko, और यहाँ जो पहली वेबसाइट होगी इसको ओपन कर लीजिएगा। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम PNG फाइल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं आइको फाइल में। तो हम फाइल को चूज़ कर लेंगे यहाँ पे और हम अपनी PNG वाली फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स अपनी स्नेक वाली जो फाइल डाउनलोड होगी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड्स पे और यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, देखिए pharmacy.png, और फिर मैं क्या कर दूँगा स्टार्ट कन्वर्जन। जैसे मैं स्टार्ट कन्वर्जन करूँगा तो ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी, और उसके बाद ये क्या करेगी, आपकी फ़ाइल को आइको में कन्वर्ट करके देखिए डाउनलोड कर देगी फाइल। तो हम इसको इस वाले आइकन को कॉपी कर लेंगे और या कट कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम फोल्डर बना लेंगे my_game, और हम आके इसमें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपना नेटबीन्स ओपन करेंगे, और क्योंकि मैं यहाँ पे जावा 12 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 12 के लिए और जावा 1.8, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं मैं दोनों के लिए बताऊँगा कैसे आपको करना है। तो अभी तो मैं देखिए यहाँ लाइब्रेरीज़ में जाके अगर चेक करता हूँ तो जावा 12 यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी एक बार आप टेस्ट कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम अपने मेन वाले मेथड पे राइट क्लिक करेंगे और इसको रन करके टेस्ट कर लेंगे कि प्रोग्राम चल रहा है। देखिए हमारा प्रोग्राम अभी नॉर्मली चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हम अपने स्नेक लेडर अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लीन एंड बिल्ड। जैसे आप क्लीन एंड बिल्ड करोगे ना तो एक जार फाइल बन जाएगी। अब ये जार फाइल कहाँ बनेगी, आपको चलना है ये इस फाइल का जहाँ सोर्स फाइल्स रखी हुई हैं। अगर राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी में जाके देखोगे तो ये देखिए यहाँ बता रहा है ई ड्राइव बैचेस जावा कोड जुलाई और स्नैक लेडर के अंदर चलना है। तो चलते हैं हम लोग ई ड्राइव बैचेस जावा कोड जुलाई और स्नैक लेडर के अंदर चलना है। तो हम लोग आते हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अवर स्नैक लेडर है, और यहाँ पर आपको फोल्डर दिखेगा डिस्ट का। जैसे आप डिस्ट ओपन करोगे तो ये जो स्नैक लेडर .jar फाइल है जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आप क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हो। जैसे अगर आप डबल क्लिक करोगे देखिए रन हो गई, बट यहाँ पे एक मैं फ़ोटो यूज़ कर रहा था वो फ़ोटो नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने SRC, सब लोग ऐसा ही करेंगे, SRC में चलेंगे और इमेज ये वाली फोल्डर, ये वाली जो फोटो है ये हमें वहाँ नहीं मिल रही, तो हम इस फोटो को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एटलीस्ट इसके अंदर फोटोज़ रखी हुई हमारी, ये देखिए। तो हम आएंगे अपने बिल्ड में और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू, और एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम एग्जैक्ट SRC यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में SRC यूज़ किया हुआ, तो आप SRC ही नाम दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने माई गेम में जब भी इमेज यूज़ की है तो मैंने SRC यूज़ किया, देखिए। तो हमें SRC के अंदर इमेजेस चाहिए, तो हम SRC फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर अपनी इमेज को पेस्ट करेंगे। SRC फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर अपनी इमेजेस को पेस्ट करेंगे। तो अगर हम ऐसा सोचें तो ये हमारी मेन क्लास है जहाँ पे हमारी क्लासेस रखी हैं, और हमने यहाँ से यूज़ किया था SRC, दैट मीन्स ये, और फिर उसके अंदर इमेज तो ये, और उसके अंदर हमारी फ़ोटो मिल जाएगी। अब अगर हम इस देखिए अगर हम इस अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं तो जैसे रन, देखिए उसने तुरंत ही उठा लिया, उसको डायनेमिक उठा लिया। दैट मीन्स इसने क्या किया, SRC के अंदर इमेजेस के अंदर जाके उस फोटो को यहाँ पे उठा लिया,
और अब हम क्लिक कर सकते हैं। दैट मीन्स अब इस फोल्डर को आपको इसी के साथ रखना है, तभी वो इमेज दिखेगी। अदरवाइज अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो इमेज नहीं दिखेगी। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी कर लूँगा और अपने डेस्कटॉप वाले माय गेम वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा और पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपली ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फाइल हैं। अब अगर आप इसको रन करते हो, सिंपली देखिएगा गेम आपका चल रहा है, और इसको पहले जो चल रहा है उसको बंद कर देता हूँ और फिर से ओपन करिएगा, गेम आपका चल रहा है। तो आपको नेटबीन से मतलब नहीं, क्योंकि आपने जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ली, और ये फाइल बनाने के बाद आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसी के अंदर आपके सारे प्रोग्राम है जो आपने कोडिंग की थी। उसके बाद हम नेटबीन्स बंद कर देंगे, हमें नेटबीन्स की जरूरत नहीं है। नेटबीन्स हमारे कोड को नहीं चला रहा था, कोड को हमारे जावा चला रहा था। तो इसके अंदर जावा है, ये जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जार फाइल है, इसके अंदर हमारी क्लासेस रखी हुई हैं, और जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो इसके अंदर रखा हुआ। तो सिंपली जैसे आप डबल क्लिक कर रहे हो स्नैक लेडर पे, आपका इसके अंदर जो मेन फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जा रही है, और मेन फाइल जैसे एग्जीक्यूट हो रही है, मेन मेथड चल रहा है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू JRE, और बेसिकली हम यहाँ पे लाने हैं अपना JRE। तो अगर आप जावा 12 यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, दिस PC या कोई भी जावा यूज़ कर रहे हो, आप सी ड्राइव में आ जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाओगे, और इसके अंदर आपको एक मिलेगा जावा का फोल्डर। तो आप जावा का फोल्डर सर्च कर लीजिए, कहाँ पे है जावा का फोल्डर। तो देखिए यहाँ पे जावा का फोल्डर है, इसके अंदर आ जाइए। अगर आप जावा 12 यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, या 11 यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जावा 12 के अंदर आ जाना है और इस पूरे फोल्डर को कॉपी कर लेना है। अगर आप जावा 8 यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे देखिए JDK 1.8 है, JRE 1.8 है। दैट मीन्स अगर आप जावा 8 यूज़ करोगे तो दो फोल्डर्स हैं, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे किसके अंदर का फोल्डर कॉपी करना है। तो अगर आप 1.8 यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर का JRE के अंदर का फोल्डर ये सारा कॉपी करिएगा, और अगर जावा 11 या 12 यूज़ कर रहे हो तो आप JDK के अंदर का पूरा कंटेंट कॉपी कर लेंगे और आएंगे अपने माई गेम के अंदर JRE के अंदर इस पूरे चीज़ को पेस्ट कर देंगे। और अगर आपको JLink का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो JLink से एप्लीकेशन स्पेसिफिक JRE भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको JLink को यूज़ करना है तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक JRE क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ JLink टूल, जो कि जावा 9 में लॉन्च हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मली सिंपली मैंने JRE को कॉपी कर लिया है, और अगर हम क्या करते हैं, अगर जावा 8 यूज़ कर रहे थे तो हम JRE वाले फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं, और अगर जावा 12 यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, अपने जावा 12 के अंदर के फोल्डर को कॉपी कर लिया, सिंपल। अब हम ये सारी चीज़ बंद कर देंगे, और हम ओपन करेंगे अपना लॉन्च 4J। सबसे पहले EXE हम बनाएंगे, उसके बाद इंस्टॉलर बनाएंगे। तो हम ओपन करेंगे लॉन्च 4J। अब इसमें आपको डिटेल्स भरनी है। सबसे पहली एंट्री है आउटपुट फाइल, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे चलेंगे, माई गेम वाले फोल्डर के अंदर चलेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे एक नाम देंगे snake.exe फाइल, CXE फाइल बना रहे हैं, और सेव कर देंगे। उसके बाद जार, ये पूछ रहा है कौन सी जार हमें एग्जीक्यूट करानी है, तो मैं अपनी वही वाली जार snakeladder.jar चूज़ कर लूँगा और ओपन कर दूँगा। उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे टच नहीं करना, आपको आना है क्लास पाथ के अंदर, और यहाँ भी कुछ नहीं करना, आपको एग्जैक्टली ऐसे छोड़ दीजिए, हेडर में भी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना। आप आ जाइए सिंपली JRE में, और यहाँ पे आप लिखिए JRE, सिंपली JRE। इसके लिए हम लोग रेफर करने जा रहे हैं ये वाला पाथ, इसके अंदर JRE के अंदर। तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो इसी JRE को यूज़ करेगा, ना कि हमारे जो हमारे पूरे कंप्यूटर ग्लोबल JRE सेव है। तो हम यहाँ JRE लिख देंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ एक आइकन चूज़ करना, जो कि यहीं पे है बेसिक में, बेसिक वाले टैब में आएंगे और हम आइकन वाले पे क्लिक करेंगे और अपना आइकन चूज़ कर लेंगे, आइको फाइल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ नाम दे देना ऐसे ही, एस सेव करिए, एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको क्लिक करेंगे, देखेंगे, देखिए क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए लॉन्च हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉन्च 4J को बंद कर देंगे और अपनी माई गेम के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक snake.exe फाइल मिल गई है। ये देखिए snake.exe फाइल, वो जब आपने कॉन्फ़िगरेशन जनरेट किया था उसी समय ये जनरेट हो गई है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारी वही, देखिए हमारा वही वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। अब चाहे इसको रन कर दिए, चाहे EXE को रन कर दिए। अब हम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे सारी फाइलों को बंडल, सारी फाइलों का बंडल बना देंगे, दैट मीन इंस्टॉलर बना देंगे, जिससे कि हम लोग यूज़ कर पाएँ, इंस्टॉल कर पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लॉन्च 4J का काम था EXE जनरेट करना। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलेंगे और लॉन्च करेंगे अपना आइनो सेटअप कंपाइलर, और हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट विजार्ड, और हम ओके कर देंगे और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम दे देंगे, तो हम कहेंगे स्नैक लेडर और वर्जन दे देंगे 1.0। उसके बाद हमें
पब्लिशर वगैरह देना है तो हम पब्लिशर वगैरह दे देते हैं, और हमें अपनी वेबसाइट देनी है तो हम वेबसाइट दे देते हैं। आप लोग की वेबसाइट है तो दे दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये पूछेगा एप्लीकेशन डेस्टिनेशन बेस, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो मैंने कहा प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये पूछ रहा है एप्लीकेशन मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप ब्राउज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे चलोगे डेस्कटॉप पे माई गेम में और अपनी exe वाली फाइल सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी exe को लॉन्च करेगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पे अदर फाइल, ये पूछ रहा है और कोई फाइल इस पे डिपेंड, और कोई फाइल जो इसकी डिपेंडेंसी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पूरा फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और पूरे फोल्डर में मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और माई गेम अपना पूरा फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा और यस कर दूँगा पूरा माई गेम वाला फोल्डर, क्योंकि हमें इस माई गेम के अंदर की सारी चीज़ें चाहिए, JRE, SRC सब चाहिए। तो मैंने माई गेम वाला अपना यही वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट डायरेक्टरी। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास है तो कुछ दे सकते हो, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल करते समय क्या दिखाना है, आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें आप बना करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल कोई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा और फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए, लैंग्वेज इंग्लिश, और फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपसे ये कुछ पूछ रहा है, देखिए कस्टम कंपाइलर आउटपुट फोल्डर, आउटपुट फोल्डर वगैरह पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट फोल्डर में मैं क्या करूँगा, एक राइट क्लिक करके एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम दूंगा आउटपुट, और मैं इसी फोल्डर को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली। दिस PC डेस्कटॉप आउटपुट, आउटपुट ये आउटपुट को सेलेक्ट कर लूँगा, और फाइल जो होगी वो उसका नाम दूंगा सेटअप, सेटअप, और आइकन भी मैं चूज़ कर लूँगा अपना वाला आइकन। तो मैं देखिए मैं डेस्कटॉप पे चलूँगा और माई गेम में चलूँगा फार्मेसी। पासवर्ड वगैरह देना तो दे सकते हो बट मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट कर दूंगा और फिर यस कर दूंगा और फिर यस कर दूंगा। और फिर ये कुछ स्क्रिप्ट वगैरह सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं ऐसे ही स्क्रिप्ट नाम दे दूंगा और सेव कर दूंगा इसको। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए बिल्ड कर रहा है यहाँ पे कर्सर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये क्या करेगा, जो आपने वहाँ पे स्नैक गेम का फोल्डर बनाया था, माई गेम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज रखे थे, इमेजेस रखी थी, JRE रखा था, उसको क्या करेगा, ये बिल्ड कर देगा और बिल्ड करके एक exe फाइल बना देगा जिसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे किसी के सिस्टम पे। बस रिक्वायरमेंट मैच करनी चाहिए, दैट मीन्स 64-bit का अगर हम लोग JRE यूज़ कर रहे हैं तो 64-bit का सिस्टम होना चाहिए, और मोस्टली विंडोज़ 10 अब आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपको कॉम्पेटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, exe है तो विंडोज़ के लिए ही है, अगर आप लिनक्स वगैरह के लिए जनरेट करना चाहते हो तो उसका दूसरा तरीका होता है। तो हम वेट करेंगे जब तक हमारा ये सेटअप को कंप्लीट नहीं कर देता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और हम लोग चलते हैं आउटपुट फोल्डर के अंदर। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक setup.exe फाइल बन गई है जिसपे आइकन वही है, लेकिन ये फाइल काफ़ी बड़ी है, 151 MB की फाइल है, जबकि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ यूज़ नहीं किया था, हमने सिर्फ सिंपल कोडिंग रखी थी, शायद 200 KB की फाइल यूज़ की होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने पूरा JRE, पूरा जावा 12 का जो सेटअप था उसके अंदर की चीज़ें मैं कॉपी करके ले आया था। लेकिन जब आप एक्चुअली कोई किसी चीज़ के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाओगे और आप चाहते हो साइज़ कम हो, तो J-Link टूल का यूज़ करोगे एप्लीकेशन स्पेसिफिक JRE बनाने के लिए। दैट मीन्स इस एप्लीकेशन को जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही चीज़ें उस आप लाओगे यहाँ पे कॉपी करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बना रहा था, तो फिर मैंने पूरा कॉपी कर लिया था और मेरे लिए कोई इशू नहीं है। 151 MB की है तब भी कोई नहीं है, बट जिसको इशू होगा वो क्या करेगा, JLink यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करेगा, दैट मीन्स उसको छोटा JRE, एप्लीकेशन स्पेसिफिक JRE क्रिएट कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। हम डबल क्लिक करके इस फाइल को रन कर देंगे और यहाँ पे देखिए यस क्लिक कर देंगे और सिंपली ये पूछेगा, देखिए exe चल गया। तो ये देखिए ये पूछ रहा है, देखिए 64 ये एक्चुअली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर स्नैक लेडर का फोल्डर बनाएगा। तो मैं कहूँगा नेक्स्ट, ठीक है, एड क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट देखिए इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्चुअली, ये एक्सट्रैक्ट करेगा सारी चीज़ें और देखेंगे ये इंस्टॉल कर देगा आपका स्नैक लेडर
वर्जन 1.0। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे रहा है लॉन्च स्नैक लेडर, अगर आप यहीं से लॉन्च कर दोगे तो आपका देखिए फिनिश करोगे तो ये लॉन्च कर देगा। ये देखिए स्नैक लेडर चल गया गेम। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि स्नैक लेडर देखिए हमारे यहाँ डेस्कटॉप पे भी आ गया। अब हम जब भी हमें ओपन करना होगा तो मैं क्या करूँगा इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा सिंपली, और यहाँ पर इसको चलाऊँगा। और अगर मुझे किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो मैं ये वाली फाइल दूंगा सेटअप डॉट एक्सी फाइल, वो क्या करेगा सिंपली डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेगा, और फिर उसके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा स्नैक लेडर का, इसको ये क्या कर पाएगा ओपन कर पाएगा। और ये यहाँ से भी ओपन होगी स्नैक, ये देखिए स्नैक लेडर ऐप है, इसको भी यहाँ से भी ओपन कर सकते। तो सिंपली इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम जावा के एप्लीकेशन को हम लोग जार फाइल से कैसे exe इंस्टॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।